नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज बना रही हूँ मिस्सी रोटी बेसन वाली। ये बहुत ही स्वाद होती है। इसमें कसूरी मेथी, हींग और अजवाइन, बेसन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो इसीलिए आज ये मैंने अपनी फैमिली जो एक रेसिपी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो आप इसे मेरे साथ मिलकर बनाइए और देखिए कितनी स्वाद लगती है। चलिए, मिस्सी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। डो के लिए मैं आधा कप आटा ले रही हूं। आधा कप सूजी, और ये आधा कप बेसन। सूजी डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। वन फोर्थ हींग, ये हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सूखा धनिया और नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे हाथों से हम क्रश करके डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल रहे हैं और ये हरी मिर्च दो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं और अदरक को भी मैंने चॉप किया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये एक बारीक बारीक प्याज, प्याज का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम मिक्स करेंगे। कई बार घर पर कुछ सब्जी ना हो तो आप इसे मिस्सी रोटी को बनाइए और ये दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये हमने मिक्स कर लिया और अब हम इसका डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना कि बेसन ना बहुत जल्दी गीला हो जाता है हमारा। देखिए डो हमारा तैयार हो गया है और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूं और ऑयल लगाकर हम इसे 15 मिनट के लिए रखेंगे जो हमने इसमें सूजी डाली है वो, ताकि हमारी फूल जाए थोड़ी सी। ये आटा हमारा हो गया है, देखो हम थोड़ा सा हाथों से मल लेंगे तो ये अच्छा हो जाता है। और इसके हम पेड़े बनाएंगे। ये बेसन चिपकता बहुत है इसलिए मैं थोड़ा सा पलोथन जो है ज्यादा लगा रही हूं, बाद में हम इसको झाड़ देंगे। और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी मैं लगा रही हूँ नीचे। ये से बेलने से पहले ही चिपक जाती है, बाद में अगर हम ऊपर से लगाते हैं तो वो निकल जाती है। और इस पर हम एक साइड पानी लगा रहे हैं और इसको हम कढ़ाई पे चिपकाएंगे। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। और जिस साइड हमने पानी लिया है लगाया है उसको हम कढ़ाई में डालेंगे। और इसे हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा सिकने लगा है और अभी जब ये सिक जाएगा तो हम अपनी कढ़ाई को टर्न करेंगे और फिर इसको सेकेंगे। इतनी देर हम दूसरा एक और बेलते हैं इतनी देर। और गैस को हमारे को थोड़ा स्लो ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो नीचे से जल जाएगा वो। ये मैंने दूसरी लोई बना ली है और इसको भी हम धीरे धीरे बेलते हैं। इस पे भी मैं थोड़ी सी वैसे ही मेथी लगा रही हूं पहले।
मिट्टी ये सीख गया है और मैं इसको पलट रही हूँ। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सा टर्न करकर ये देखिए ये हमारा सीख गया है और ये से मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। ये दूसरा भी हम पानी लगा रहे हैं और फिर इसको भी हम अपनी कढ़ाई में ऐसे चिपकाएंगे। ये देखिए ऐसे हम उठा लेंगे और कढ़ाई पे हम चिपकाएंगे। थोड़ा सा हम इस पर घी लगा रहे हैं और थोड़ा सा हम लगाएंगे इस पर बटर। ये देखिए ये बहुत ही करारी बनी है, ये बहुत ही अच्छी इस पर सिक जाती है। आप तवे पे भी बना सकते हो, फ्राइंग पैन पे भी बना सकते हो, लेकिन मेरे को ये प्रोसेस अपना कढ़ाई वाला बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम ढाबे पे से सिखवा के लाए हैं। ये देखिए ये हमारा सीख गया है दोनों तरफ से बहुत अच्छा। थोड़ा सा पहले घी लगाएंगे और फिर हम मक्खन से अपने ये देखिए। ये देखिए हमारी मिस्सी रोटी की थाली जो है वो बिल्कुल तैयार है और मैंने इसको बथुए के रायते के साथ बनाया है। आप इसे प्लेन दही, मसाला दही या बूंदी वाला रायता और या फिर ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वाद होती है और ना ही इसके साथ कोई सब्जी की ज़रूरत है, ना ही चटनी, ना ही अचार, और आप इसे ऐसे ही खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और आप ये भी मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगली बार आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या बनाऊँ। और अब हम मिलते हैं, बाय।